हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। इजी डोसा, सब्जियों वाली डोसा बनाएंगे और बस इसे चटनी या सॉस के साथ आप सुबह फटाफट बना के और बस सीधे खा सकते हैं। कोई भी परेशानी नहीं है इसके अंदर, बनाने में बहुत आसान तरीके से बन जाता है। जो सब्जी अपने पास होते हैं उससे ही आप तैयार कर सकते हैं इसे, और टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। तो इस तरह से मिक्सी का जार ले लिए हैं और चावल को हमने 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था, या तो आप रात को भिगो दीजिए और सुबह फटाफट उसे धो के और मिक्सी के जार में डालिए और पीसने के लिए तैयार कर लीजिए। तो ये हमने चावल डाल दिया है। अब एक मिर्ची डालते हैं चावल के साथ, हमने कोई दाल वगैरह नहीं डाला है, केवल चावल से बनाएंगे। और प्याज का कुछ टुकड़ा डालते हैं, टमाटर एक डालते हैं बस मोटा सा चॉप करके, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ हम नहीं डालेंगे। और एक बड़ा चम्मच से हम मटर डाल रहे हैं, जो मेरे पास है सब्जी हम उसे ऐड कर रहे हैं। और इन सबको पीस के इस तरह से तैयार कर लिए हैं। थोड़ा सा चिकना और बढ़िया पीसना है तो इसे एक बाउल में डालते हैं। और इसमें कोई खमीर के लिए हमें इनो वगैरह नहीं चाहिए। स्वादानुसार नमक डालते हैं, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालते हैं, मिर्ची आप अपने स्वाद से लीजिए, थोड़ा सा जीरा डालते हैं ताकि इसका फ्लेवर इसमें थोड़ा अलग सा और बढ़िया सा आए। अब इसे घोल के तैयार कर लेते हैं और बस ये हो गया हमारा एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट, जो फटाफट बना सकते हैं उसके लिए घोल तैयार हो गया। तवा को गर्म करना है और बस इसे बनाना है। आप मोटा या पतला कैसा भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक चम्मच इस लिक्विड को डालते हैं और फैला देते हैं। आज को हमने लो रख रखा है, लो फ्लेम पे इसे फैलाएंगे। तेल हमने नहीं डाला है, नॉन स्टिक तवा है, आप बिना तेल का भी इसे बना सकते हैं और 2-4 बूंद तेल भी डाल सकते हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है और अच्छा सा स्वाद बन जाता है इसका। अगर थोड़ा ज़्यादा तेल आप खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप इसमें 1 चम्मच तेल डाल सकते हैं। और बस ये हमारा प्यारा सा डोसा हमारा तैयार हो जाता है। अब इसमें प्याज, टमाटर, मिर्ची सारी चीज़ का टेस्ट है तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है। अब 1 चम्मच हम इसमें तेल को इस तरह से डाल देते हैं फैला के, और बस हमारा ये डोसा तैयार हो जाएगा। इस इतना ही तेल से, और इससे कम तेल भी यूज कर सकते हैं। और बस इसे देखिए इस तरह का तैयार हो गया, एक तरफ बिल्कुल पक गया है। तो इसे उलट देना है, या तो उलटने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूं ही सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल दोनों तरफ बढ़िया पक के तैयार हो जाता है, फ्लेम बिल्कुल लो रखना है हमें। तो ये रहा हमारा डोसा और ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसे हम निकाल लेते हैं और बस ये खाने के लिए हमारा बहुत ईजी तरीके का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। इसे आप चाहे जिस भी चटनी के साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ खा सकते हैं। डियर फ्रेंड, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।